गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ जाती है तो कॉपीराइट को अगर 90 दिन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में वो कॉपीराइट नहीं हटती है तो किस तरीके से वो कॉपीराइट को हटाते हैं, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना चैनल ओपन कर लेना है और ये कॉपीराइट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये कॉपीराइट है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस पर आपको सिंपली ओके कर देना है। जैसे आप इस पर ओके करते हैं आपके सामने ये कॉपीराइट का स्ट्राइक का जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे कि नवंबर 26 2021 को मेरे पास ये कॉपीराइट आया था और ये अडॉप्ट कंपनी की तरफ से आया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि फोटोशॉप जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसे किस तरीके से हटाएंगे तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इस पर आप ओके करेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ सवाल होते हैं जो कि आपको 4 सवाल होते हैं ये देने होते हैं, सही या गलत, ठीक है। आप इसका इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, पर फिलहाल तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है कि आप किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो आपको स्क्रीन पर लास्ट में शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब आप इसका हिंदी में मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि अगर आप यानी कि जिसकी जो सामग्री है उसके बिना पूछे आप उनसे कोई भी चीज़ों को अपनी वीडियो में ऐड करते हैं या फिर उनसे रिलेटेड बिना इजाज़त लिए हुए आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनकी सामग्री को लेते हैं और अपनी वीडियो में यूज करते हैं, ठीक है, तो होना पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है, ठीक है। ये सही है गलत, तो आप यहाँ पर सही कर देंगे क्योंकि ये सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 हमने बाकी के यहाँ पर ऐसे ही लगा दिए हैं। चेक पर सिंपली नीचे ऑप्शन के देखने मिला है, इस पर आप ओके कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, अगर गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं हमने पहले ऊपर वाला पढ़ लिया था तो वो हमारा सही गया। ट्राई नैप पर ओके करेंगे, उसके बाद में हम इन्हें एक एक करके सबको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और सभी को टिक कर देंगे, ठीक है। तो मैंने पढ़ लिए हैं, मुझे लग रहा है 3रा वाला गलत है कुछ भी, तो मैं चेक पर ओके कर देता हूँ, चेक आंसर पर, ठीक है। चलिए अभी पता चल जाएगा, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसे देख सकते हैं, योर सक्सेस, ठीक है, कंप्लीट। तो हम इसे देख लेते हैं, देख सकते हैं वो 3रा ही वाला गलत निकला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है, बस आपको जो काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में डन पर आपको सिंपली ओके कर देना, आपको कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। आपके सामने इस तरीके से आ जाता है तो आपको यहाँ से कट कर देना है। तो चलिए हम कट कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कॉपीराइट स्ट्राइक है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। एक बार हम पेज जाने की अपने यूट्यूब चैनल के पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये कॉपीराइट यहाँ से हट जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉपीराइट है वो बिल्कुल हट गई है। ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अगर इस चीज़ को नहीं हटाते हैं, अचानक से 2 कॉपीराइट और आ जाती हैं तो 7 दिन के बाद आपका जो चैनल है वो बंद कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को जरूर जान लें। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।